नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सागर जिले के देवरी क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के निर्देश के चलते मार्च क्लोजिंग के कारण बिजली विभाग द्वारा सख्ती से वसूली की जा रही है। विभाग द्वारा पूर्व के मुख्यालयों पर कैंप लगाकर बड़े बकायादारों से भुगतान करने की समझाइश दी गई, इसके बावजूद भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिस कारण उच्च अधिकारियों के निर्देशन में सख्त रुख अपनाकर वसूली की जा रही है, जिसमें बिजली विभाग द्वारा कुर्की की कार्रवाई के साथ बैंकों को पत्र लिखकर बड़े बकायादारों की सूची सौंपकर बैंक खाते सीज करने के निर्देश दिए गए हैं। और जो उपभोक्ता अपना बिल भुगतान करना चाहे, बैंकों को बिजली विभाग का SBI शाखा का खाता नंबर दिया गया है, इसमें जमा कराने के निर्देश दिए हैं। देवरी क्षेत्र के बिजली बिल बकायादारों से लगभग 3,96,00,000 रुपए बकाया हैं, जिनमें से अब तक लगभग 18,00,000 रुपए की वसूली की गई है। कैंप लगाकर समझाइश के बावजूद उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल जमा नहीं किए जा रहे हैं, जिस कारण सख्ती से वसूली की जा रही है। वसूली के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा विभागीय कर्मचारियों से विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। विवादों की स्थिति होने से बिजली विभाग की सहायक अभियंता सुबुद्धि चढ़ार ने थाना प्रभारी और SUP देवरी को पत्र लिखकर वसूली के दौरान पुलिस सहायता की मांग की है। हम लोग अभी वसूली अभियान मार्च में जो चालू किया है, उसमें पहले तो हम लोग उपभोक्ताओं के परिसर में संपर्क किए हैं। हम लोगों ने जो उपभोक्ताओं ने संपर्क करने पे पैसा जमा कर दिया, उन पे सख्ती का रवैया नहीं अपनाया गया। लेकिन अभी हम लोगों ने उसके बाद कैंप का भी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब लगाए थे, ऑर्गेनाइज किए हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ मुख्यालय है, तो लाइनमैनों द्वारा भी कैंप लगाए गए। कहीं कहीं हमारी जरूरत थी तो वहाँ पे जाके हम लोगों द्वारा भी उपभोक्ताओं से बात की गई, बिल वसूली के लिए कैंप का आयोजन किया गया। इसके उपरांत भी बिल जमा नहीं किए जा रहे हैं कई जगहों से, तो वहाँ के लिए हम लोगों ने अभी बैंक सीज करना चालू कर दिया है। जिन उपभोक्ताओं के बिलों पे 30,000-20,000 से अधिक बकाया है, तो और बार बार संपर्क करने पे भी नहीं भरा जा रहा है, तो उनके डायरेक्ट हम लोगों ने बैंक अकाउंट सीज करने की कार्रवाई चालू कर दी है। और कहीं कहीं पे जहाँ पे विवाद की स्थिति बन रही है, तो उसके लिए हमने पुलिस बल के लिए आवेदन पत्र अपने TI साहब को और SDOP मैडम के यहाँ भेजा है।